कि फ्रेंड्स जब भी हम मैथ्स की बात करें तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि बार। जैसे अगर हम कोई भी डिजिट लें उसके ऊपर बार की रिप्रेजेंटेशन होती है, सो उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज़ विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कि अगर हम बार वाले क्वेश्चंस को देखें, जिस जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार इंटू 3, इसका क्या आंसर होगा। ओके, सो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले कुछ बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुछ कॉन्सेप्ट्स की, तो अगर हम लिखते हैं 0.27 और 7 के ऊपर बार, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 7 -2, ओके, डिवाइडेड बाय 90। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे कॉन्सेप्ट है, 2 एज इट इज़ आएगा, देन 7 जो है उसके ऊपर बार है तो हम 7 को भी लिखेंगे, -2 और ये वाला -2 दिस वन। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर में आएगा जिस भी डिजिट के ऊपर बार है, जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0, इसका 9 और इसका 0, सो दैट विल बी इज़ इक्वल टू 25/90। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, सेम डिजिट लेते हैं 0.277 बार, दो बार, सो किस तरह से लिखेंगे, 277 -2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें दो टाइम्स बार है, 99, ओके, और इसका 0, सो दैट इज़ फाइन, सो 275 -990, इसका ये आंसर रहेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आप और भी कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें 0.371 बार, ओके, सो दैट विल बी 371 -3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसमें अगेन 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार है तो 99 और इसके लिए 0, सो दैट विल बी 368 डिवाइडेड बाय 990। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। उसी तरह हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं 0.481 बार, ओके, सो अगेन इसमें देखिए 481 -4, अब इसमें 2 है तो 990, ओके, अगेन याद रखिए इसके लिए 2 बार 9 बिकॉज 2 डिजिट पे है और इसके लिए 1 बार 0, फाइन, सो अगेन अगर हम इस पे करें सो दैट विल बी इज इक्वल टू 874 डिवाइडेड बाय 990। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी डिजिट्स को कर सकते हैं बार वाले, इस तरह आप किसी भी बार वाले डिजिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे अगर हमें ये पूछा जाए कि 2.136 बार, सो इसका क्या आंसर आएगा, फाइन, सो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है कि 2 पॉइंट से पहले भी 2 है, सो जब पॉइंट से पहले 2 होगा, जब 3 होगा, जब 4 होगा, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ओके, 136 है सो 136 एज इट इज़ और इसका माइनस, ओके, देन इसका 99 और इसका 0, फाइन, तो इट्स वेरी इजी, 2 135/990, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब उसी तरह से फ्रेंड्स जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन है 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 3, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगेन इट्स वेरी इजी, 1 1 है सो लिखिए 1 1 एज इट इज़, ओके, डिवाइडेड बाय इसके 2 times 9 प्लस 2 2 एज इट इज़, ओके, सो इट इज़ 299, फाइन, 3rd को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 3, ओके, सो अगेन 11 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इसका 99 प्लस 2 2 99 इज इक्वल टू 33, ओके, इंटू 3, ये वाला 3 यहाँ आएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज़ 1/3 और 3 × 3, सो 1 इज़ द आंसर, ओके, सो 1 इज दी आंसर। ओके, सो आपको ये हमेशा याद रखना है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बार के मेथड के साथ। उसी तरह फ्रेंड्स अगर एक और क्वेश्चन लें कि 0.9 प्लस
ज़ीरो पॉइंट इसको, तो इसका क्या आंसर होगा? सो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी है, 9/10, चाहे आप इसको 0.9 भी लिख सकते हैं, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 9/9, सिंपल, ओके। सो इसको अगर हमने कट किया तो 1, सो 9/10 + 1, सो इट इज़ 9 + 10/10, सो 19/10 1.9 इज दी आंसर। उस तरह से आप बहुत सारे और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर रहे हैं यहाँ पर कि 0.14285 बार डिवाइडेड बाय 0.8571 बार, ओके, सो इसका अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर आएगा, ठीक है? सो वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें इसको देखने से आइडिया हो जाता है कि अगर हम बात करें 14 × 2 की, तो वो 28 के पास आता है। सो उस तरह से अगर ऑप्शन आपको ऑप्शंस गिवन है, तो आप ये भी देख सकते हो कि ओके, 2 के साथ जाएगा, तो डेफिनेटली 1/2 और 2 के करीब आंसर हो सकता है, फाइन। सो हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 14285 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 times 9, ओके, डिवाइडेड बाय 28571 डिवाइडेड बाय 1, ओके। अब देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14285 डिवाइडेड बाय 9999 इनटू 99999, फाइन, 28571, सो दिस गॉट कैंसल्ड, फाइन। अब देखिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 के साथ चला जाएगा, सो आंसर विल बी 1/2। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.136 इज, इसकी क्या वैल्यू आएगी? सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया 2, ओके, देन आप इसको एज इट इज़ लिखिए 136, ओके, अब डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 1, ओके, देन वी हैव 99, और इसके लिए 99 और दिस इज़ 0, ओके। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ 2.136 बार इज़ 2136 - 136, हमने इस तरह से लिखा, और जिसके ऊपर बार है उसको 99 लिखा, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिखा, माइनस दिस 1, सो दिस विल 2135 बाय 990।